ना धीरता ना रे कांग्रेचुलेशंस कांची, वेल डन यार, तुम तो छा गई, तुमने तो रायना को भी पीछे छोड़ दिया। हे गाइस, स्टॉप कांग्रेचुलेटिंग हर। ये कैसे मिस ऑफिस स्टार बन सकती है? ये तो अग्निहोत्री इंडस्ट्री की एम्प्लॉय भी नहीं है। जजेस का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। ऐसा है कांची का शव अग्निहोत्री कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। मीट अ न्यू केटरिंग मैनेजर। वैसे इस इवेंट के बाद खाना इन्हीं के रेस्टोरेंट से आ रहा है, सो एंजॉय। कांग्रेचुलेशंस। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने मेरे कैबिन में आ सकती हो, ओके? थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच। जल्दी रांच, मेरे पेट में एलिफेंट डांस कर रहे हैं। अरे सबर कर मेरी रानी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ, ये ले। चल। I'm telling you, Lance, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें कोई सुपर हिट प्लान सोचना पड़ेगा। तू रहने दे, हाँ रहने दे। तू ही तो गई थी कांची को बदलने में उसकी हेल्प करने के लिए। हाँ नांस, आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरी परदादी की कंपनी में रह के भी आप उनसे कुछ नहीं सीख पाई। मतलब? मतलब रिवर्स साइकोलॉजी। मैंने कांची की हेल्प की सिर्फ ये जताने के लिए कि मुझे उससे सिंपैथी है। उनकी सच्ची दोस्त की तरह मैं आदित्य से उनको मिलवाना चाहती हूँ। हे जियाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। इट्स ओके नान, सोचने का काम मेरा है, ये आप मुझ पे छोड़ दो। बस आप मुझे मॉरल सपोर्ट दो। शिव जी ने हमें सिर्फ एक लाइफ टाइम चांस दिया है कांची और पॉप्स को मिलाने का, और ये चांस जियाना नहीं खोने वाली। हाँ जियाना, वो तो ठीक है, पर अर्जुन जी को देखना, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने लग गए। जरा सोच, कहीं उन्होंने सच में कांची को आदित्य से मिला दिया तो? नहीं 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 नहीं, चुप चुप बोलो ना। चुप 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 चुप। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि कांची और पॉप्स को लगे कि मैं कांची और आदित्य को मिलाने की हेल्प कर रही हूँ। हाँ, ताकि उस आदित्य का कनेक्शन काट के कांची की तार अर्जुन जी से जोड़ सके। हाँ परफेक्ट मैन, अब आप समझ गए। वो सब तो ठीक है मेरी स्नो वाइट, पर ये होगा कैसे? बस यही तो सोचना है ना। खाने के लिए दलिया और खिचड़ी मैंने कैसेरोल में रख दिया, और ये आपकी दवाई, खाने के बाद जरूर ले लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। सुनो, जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो है, ऑफिस का काम भी तो खत्म करना है। और हाँ, ये रहा टीवी का रिमोट, अगर बोर हो रहे होंगे तो टीवी देख लेना, पर ज्यादा नहीं। ओके, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? कमाल है जी, पहले मुझे आने नहीं दे रहे थे और अब मुझे जाने नहीं दे रहे। पता नहीं था ना कि तुम बीमार की इतनी अच्छे से सेवा करोगी। मेरी तुमने इतनी सेवा करी कि बस तुम्हारी आदत सी हो गई। अच्छा सुनो, तुम्हारे जाने के बाद फिर से मुझे अगर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो। जी ऐसा नहीं कहते, देखो दवाई का असर हो रहा है और अब आपकी सेहत भी पहले से बहुत बेटर है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, टेक केयर।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आदित्य ने मेरी तारीफ की और रायना के सामने ये तक कह दिया कि तुम अच्छी लग रही हो। ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, तुम्हारी मेहनत की वजह से। अपने प्यार को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की कि भगवान जी ने भी तुम्हारा साथ दिया। ऑफिस स्टार बन गई तू, तुम्हारी जीत हुई और रायना जल गई। बस अपने आप को आदित्य की पसंद में ढाल लो, फिर देखना वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक कहा जी आपने, जीत तो हमारी ही हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मन में अभी भी ना कुछ खाली चाली सा लग रहा है। दिमाग खुश है पर दिल नहीं मान रहा। दिल कहता है कि अगर मैं आदित्य को उसी रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं जैसा वो है, तो आदित्य क्यों मुझ में बदलाव लाना चाहता है? पता है क्या, आपने जो बात मुझसे सबसे पहले कही थी ना, वही ठीक है। अगर आदित्य मेरे पास वापस लौटना चाहता है तो उसे वही पुरानी झल्ली कांची के पास लौटना पड़ेगा, पढ़ना मुझे नहीं चाहिए। तुम बड़ी अजीब हो, या हमारा प्लान कामयाब हो रहा है? आदित्य तुम्हें पसंद कर रहा है और तुम्हों के। देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा ना, सोच समझ के नहीं कहा, बस मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया। मुझे आदित्य को इस तरह से नहीं पाना। तो फिर किस तरीके से पाना? पिछले 2 घंटे से पॉप्स और कांची को मिलाने का तरीका ढूंढ रही हूँ, पर पूरा टाइम वेस्ट हो गया। आजकल ये इंटरनेट बिना किसी काम का नहीं। हे गौचव जी, अब आप ही एक सहारा है। जब आपने पॉप्स और कांची को मिलने का एक चांस दे दिया है, तो जाना को एक छोटा सा क्यू भी दे दीजिए कि पॉप्स और कांची का प्यार जगाए कैसे। प्लीज 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 प्लीज। नांस, ऐसा क्या है इस मैगजीन में जो पॉप्स और कांची की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कैसी बातें कर रही है बेटा? तेरी पॉप की शादी से जरूरी कोई बात हो सकती है भला? डोंट लाइ नांस, पिछले 1 घंटे से मैं आपको बुला रही हूँ, पर आप तो अपनी मैगजीन में बिजी है ना, और आपने अपने साथ शोभा को भी मिला लिया। हा? अरे मेरी गुड़िया रानी, इतना नाराज क्यों होती है? देखना ये मैगजीन है ही सुपर हिट। तुझे पता है इसमें क्या छपा है? वो आजकल का अपना सुपर हिट हीरो है ना, राज खन्ना। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सायरा ने ना एक नए हीरो ध्रुव सिंह के साथ पिक्चर साइन की है। हाँ, और सुनने में ये भी आया है कि अब वो ही उसका नया बॉयफ्रेंड है। तो? आप इन सब बातों को भूल जाइए और कोई आइडिया सोचिए। आइडिया क्या? ओह नांस, आप ग्रेट हो, फाइनली आज आप ही काम आई। इतना अच्छा आइडिया दे दिया आपने, थैंक यू सो मच नांस, लव यू। जियाना, मैंने कैसा आइडिया दिया बेटा? नांस, जेलेसी का आइडिया, जेलेसी। तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कांची। कमाल है मास्टर जी, हमारी पहली जीत के बाद तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए था। रायना को हराने का कुछ फर्राटेदार आइडिया आना चाहिए आपके दिमाग में। हेलो, एक मिनट, ये आइडिया ना मेरा ही था, तुम क्या करोगी? मैं आपके आइडिया पर कांची के स्टाइल का तड़का मार दूंगी। बड़ा सिंपल है मास्टर जी, सिर्फ कांची ही रहकर हमें रायना को मात चात देनी है। अच्छा, अब इतना सब कुछ बोल दिया तो ये भी बता दो ये कैसे करोगी तुम? एक मिनट, मेरा फोन है। हेलो जियाना। हाँ मैं? नहीं नहीं जियाना, एक्चुअली बात यह है कि अभी मेरा मन नहीं है, और वैसे भी मैं अभी अर्जुन जी के साथ ही हूँ। उन्हें भी? चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ओके बाय। चलिए, जियाना ने हम दोनों को घर बुलाया। जियाना ने? तुमने जियाना को सब कुछ बता दिया क्या?
मैंने बता दिया? कमाल है जी, खुद के पेट में बात छात पचती नहीं है और दूसरों को दोष वोष दे रहे हैं। मेरे पेट में बात नहीं पचती, मैं क्यों बताऊंगा जियाना को? मैंने तो तुम्हें मना किया था ना। मुझसे ज्यादा आप जियाना के आसपास रहते हैं, बातों ही बातों में बात निकल गई होगी। तभी तो आपसे सब कुछ जानने के बाद जियाना आज घर आई थी। जियाना की मदद से ही तो मैंने ये कपड़े शपड़े पहने, मेकअप वगैरह किया, उसी की वजह से तो मुझे मिस ऑफिस का किताब मिला। जियाना तुम्हारे घर पहुंच गई, मेरे मना करने के बाद भी तुमने उससे हेल्प ली। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके एग्जाम है, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुमों की कांची अजीब बंदे शंदे आप। अगर आपको जियाना की मदद चलन नहीं लेनी थी तो आपने सबसे पहली बात उसे मेरे और आदित्य के बारे में बताया क्यों? ऊपर से ये भी बता दिया कि मैं इन सब में आपकी हेल्पशिप ले रही हूँ, ऊपर से आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। एक मिनट, मैंने जियाना को कुछ नहीं बताया। ओके लो जी, आपने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, तो बेचारी बच्ची को पता कैसे चला? सपना अपना देख लिया होगा शायद। अब समझी, घबराइए मत, उम्र के साथ साथ ना ये छोटी मोटी बीमारियां हो जाती, भूलने शूलने की। मेरी मम्मी को भी है, रोज सुबह उठते ही याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई आयुर्वेदिक टैबलेट खाती है। मैं उसका नाम आपको बता दूंगी। मैं कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं हूँ, समझी तुम? जियाना का फोन। हाँ जियाना। पॉप्स कहाँ आप? कांचा घर के लिए निकल गए ना? नहीं बेटा, अभी ऑफिस में ही है। ओह गॉड, अभी तक आप दोनों ऑफिस में ही हैं? कितने स्लो मोशन में आप दोनों, प्लीज जल्दी आ जाइए, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके, मैं आप दोनों का वेट कर रही हूँ। हाँ जियाना, हम बस आ रहे हैं। ओके बाय। बाय बाय। हेलो। हाँ हाँ जानती हूँ कि अब आपको बुखार बुखार कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी ताकत आते तुरंत एकदम स्ट्रेस लेना मत शुरू कर देना। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, आपके घर आकर आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, आपका आराम भी हो जाएगा और मैं आपको मिल भी लूंगी। अभी अभी क्यों आओगी तुम? आपको देखनी, मैंने दवाइयाँ खा रखी ना, उसे बहुत नींद आ रही है। मैं अभी सो जाऊंगा। एक काम करते हैं ना, कल ऑफिस में मिलते हैं। ओके बाय बाय टिंकी। जय जी भीना, सुबह जाने नहीं दे रहे थे और अब आने नहीं दे रहे। ठीक ही तो है, उनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है और मैं गई तो उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। एक काम करती हूँ, उनके लिए फ्लावर्स और गेटवेल सुन कार लेके जाती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ऑटो। अरे माँ। हाँ माँ। तो ऑफिस से निकल गई? जी निकल गई। अच्छा एक काम करना, आते हुए सब्जी मंडी से होते हुए आना, वहाँ से 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, गोभी और नींबू भी लेकर आना रात के खाने के लिए। मैं अभी ऑफिस से निकली और आप भी मुझे सब्जी मंडी भेज रही है। दीदी से कहिए ना ये सब लाने को। अरे कांची दिन भर घर का भी काम करे, बाहर का भी काम करे और बाजार भी वही जाए। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़े होना अच्छी बात है, पर आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी का काम भी आना चाहिए, तभी कोई अच्छा लड़का हाथ पकड़ता है, समझी कि नहीं? हाँ हाँ माता जी समझ गए। आते आते आपका सारा सामान लेकर आऊँ। अब रखूँ फोन? हाँ बाय बाय। रिक्शा रिक्शा। जय जी, वो तो जय जैसे ही दिख रहे थे और उनके साथ में वो लड़की। नहीं नहीं जय जी कैसे हो सकते, शायद मैंने ही देखने में कोई भूल कर दी। वो तो घर पे आराम कर रहे, उनके बारे में ही सोच रही थी इसलिए लगा कि वही है, पर मैंने जो देखा वो सच निकला। तो उनको एक फोन ही कर लेती हूँ। ये तो फोन भी नहीं उठा रहा।
अपनी तसल्ली के लिए मुझे एक बार जय जी से मिलना ही होगा। मैं जानती हूँ जियाना कि तुम मेरी हेल्प हेल्प करना चाहती हो, लेकिन मैंने एक बात सोची, अगर खुद को बदल के आदित्य ने मुझे पसंद कर भी लिया तो उसका क्या फायदा? रहूंगी तो मैं वही कांची ना जो हमेशा से थी, और वैसे भी अगर प्यार में किसी को चाहो तो उसे उसी तरह स्वीकारो जैसा वो है। एग्जैक्टली कांची, आदित्य अंकल को ना आपको इसी तरह पसंद करना चाहिए, और वो कर भी लेते हैं अगर ये रायना नाम की प्रॉब्लम बीच में आती तो। जियाना हम ये जानते हैं, आप क्यों इसमें? पेशेंस पॉप्स। नांस आप कुछ करेंगे भी की? अब हाँ, एक मिनट देखिए, ये देखिए, ये है आप बिल्कुल अकेले, और अब ये हैं आदित्य अंकल, वो भी रायना के साथ। तो मैं सोच रही थी आपके साथ भी कोई होना चाहिए, तो आदित्य अंकल को ये लगे कि आपने किसी और को पसंद कर लिया है। तो आदित्य अंकल को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगी जो आप देती थी, तो वो आपसे मिल रही अटेंशन को मिस करेंगे। मतलब कांची, वेरी सिंपल, अभी तक आदित्य अंकल जैसा चाहते थे आपने वैसे बनने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने आपको ये यकीन दिला दिया कि आप उनके लिए फिट नहीं हो, बट ये तो गलत है ना। तो अब हमें आदित्य अंकल को ट्रैक पे लाने के लिए ये यकीन दिलाना होगा कि आप उनके लिए फिट नहीं बल्कि उससे ज्यादा बेटर हो। और कोई आपको ऐसे ही पसंद करता है जैसे आप हो, तब आएगा मजा। लेकिन जियाना, कैसा मजा? जेलसी का जेलसी। मतलब अरे कांची, अगर आदित्य अंकल के सामने आप किसी और लड़की को डेट पे ले जाए और उनके सामने आप ऐसा बिहेव करें कि आप उनको भूल गई हैं तो? तो जेलिसी के मारे डेफिनेटली वो आपके पास लौट कर आना चाहेंगे, राइट? ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ऐसा हिंदी पिक्चरों में होता है, सोचिए सोचिए। वाओ जियाना, तुम तो जीनियस हो, क्या आइडिया दिया है, पक्का काम भी करेगा। लेकिन एक डाउट है, पता नहीं ये आइडिया आदित्य पे काम करेगा कि नहीं, और कहीं जियाना कहीं उल्टा असर ना कर दे, कहीं आदित्य को सच में लगने लगे कि मैं उसे भूल चूल गई हूँ और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती, और वो मेरे घर आकर एंगेजमेंट ही तोड़ दे। ये थोड़ा सा तो रिस्की है कांची, बट डोंट वरी, जियाना है ना, जियाना ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग करेगी ना कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ तो है, ऐसा लड़का हम लाएंगे कहां से? Exactly. ऐसा एक लड़का है। अच्छा, कौन? ना धीरता ना रे।